पहले तो मैं एक ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कमीशन की गाइडलाइंस में बड़ा स्पष्ट है कि जो कोई भी कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के बाहर जो 3 टीयर कॉर्डन है, उसका जो सबसे आउटर वाला कॉर्डन है उसके बाहर वो अपना कैंप कर सकते हैं। ये बड़ी स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारे को भी ये या इलेक्शन मशीनरी को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको फैसिलिटेट करना है, उनको जगह प्रोवाइड करनी है जिससे कि वहाँ पर वो बैठ सकें, अपना कैंप लगा सकें। इसमें कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक उनको साथ ही साथ जो है वो टेलीविज़न की फैसिलिटी भी दी जाती है। वहाँ से ऐसी जगह वो बैठ सकते हैं जहाँ से वो डिस्टेंस से ही, आउटर पेरीमीटर से ही स्ट्रांग रूम को देख सकें। और लेकिन अगर वो नहीं भी देख पा रहे हैं तो अप्रोप्रिएट प्लेस पे सीसीटीवी कैमरास का जो व्यूइंग फैसिलिटी भी उनको दी जाएगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं और ये हमेशा ही होता है। जहाँ तक जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी वो हमने सभी डीओस को, डीसीस को फॉरवर्ड कर दी है कि जो भी कमीशन के इंस्ट्रक्शंस हैं उससे कंप्लायंस जो है वो सुनिश्चित की जाए। जैसा मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शंस ये कहती हैं कि जो आउटर पेरीमीटर है, यानी सबसे पहले एक इनर कॉर्डन होता है जिसमें CAPF है, जहाँ पे जो इनर मोस्ट कॉर्डन है। उसके बाद एक मिडिल कॉर्डन होता है जिसमें कि जो स्टेट आर्म पुलिस वो रहती है, और उसके बाद एक आउटर कॉर्डन रहता है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोर्स रहती है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स रहती है, और उसके बाहर जो है वो कैंप कर सकते हैं एज़ पर द गाइडलाइंस।